मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्टेस्ट गिफ्ट था. मैं नोएडा रोज फरीदाबाद से नोएडा ट्रैवल करती हूँ, दैट इज़ लाइक मेरा एक घंटा बचा है. कुछ खास नहीं, मतलब नॉर्मल तो ठीक ही ठाक था. मतलब लोगों को और फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई है. हाँ, गिफ्ट तो अच्छा है. आई एम फ्रॉम गलगोटिया, और गलगोटिया से भी स्टार्ट हो रही है परी चौक से, तो हमारे लिए तो खैर बहुत अच्छा रहेगा. तो मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बस से जा रहे हैं अभी फिलहाल, उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है मेट्रो. हाँ, काफ़ी बढ़िया गिफ्ट है, क्योंकि मेरे मामा भी फरीदाबाद से दिल्ली नोएडा जाते हैं वर्क पे, तो अब उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है. इस वजह से मैं कहूँगा बहुत अच्छा गिफ्ट है दिल्ली के लिए. या ऑफ कोर्स, बिकॉज वो पीपल कमिंग फ्रॉम नोएडा एंड साउथ दिल्ली आर नाउ कनेक्टेड, एंड द मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो दिल्ली में बहुत ज़रूरत है, इतनी कार्स हैं. सो या ग्रेट, बिल्कुल ऑब्वियसली फ्यूचर तो है, मतलब अपने आप आएंगी, टाइमिंग रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट है. अभी अमेरिका और जापान से इंडिया, मैं मानता हूँ करीब 50 ईयर्स अबाउट पीछे चल रहा है, जो अभी इक्वल नहीं हो सकता इंडिया कभी टेक्नोलॉजी के मामले में. हाँ, फुल्ली तो डिपेंडेंट ही रहेंगे, अभी तो धीरे धीरे जैसे जैसे बातें आएंगी धीरे धीरे प्रमोशन होगा उन चीज़ों का. Sure, so long as it's cheap and affordable and people can access it easily, yeah, sure. Driverless, I don't know if it's such a good idea, because it's so joblessness. So in India, I think we should create employment, but also it's good technology, but I don't think it's the best fit for us, because we are unemployed. हाँ, ये अच्छा है हमारे देश के लिए, अच्छा है, आगे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी है, कुछ ना कुछ हमें आगे चल के प्रॉफिट मिलेंगे. अभी नहीं मिल रहे, आगे चल के ज़रूर मिलेंगे.